तो दोस्तों, आज हम किसी बड़े टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आजकल पुराने जमाने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आजकल के ज़मानों में हम समुद्रों की गहराई कैसे पता कर पाते हैं, कैसे हम उड़ते हुए विमान की स्पीड पता कर पाते हैं और कैसे एक बॉलर की स्पीड हम पता कर सकते हैं क्रिकेट देखते समय। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको समुद्रों की गहराई तक लेकर जाने वाला हूँ। वहाँ पर बताऊँगा कि कैसे आप इनकी डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी, इनके बीच का कितना डिफरेंट है वो सब पता कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले समुद्रों की इस गहराई नापने के लिए। अगर आपको समुद्रों की गहराई नापना होती है तो आप 1960 से और पहले चले जाइए, 1850 में। तो वहां पर पहले समुद्रों की गहराई कैसे नापी जाती थी, एक पोलर लगा दिया जाता था, एक स्टैंड लगा दिया जाता था जो कि प्लेट टाइप का होता था, उसके बीचम बीच कुछ रस्सियाँ लपेड़ दी जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी रस्सियाँ लपेड़ दी जाती है, और उसमें कुछ टनल टाइप का, मतलब टनल का मतलब एक बहुत भारी टाइप का लोहा मतलब कह सकते हैं, एक मेटल का बना हुआ, हार्ड मेटल का बना हुआ, उसे लटका दिया जाता था, उसे इतनी गहराई तक जाता था जब तक कि रस्सी अंदर जाना बंद ना कर दे। लेकिन वहाँ तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितनी हाइट नाप सकते हैं, मैं बताता हूँ अपने अंदाज से 1500 मीटर, इससे ज़्यादा आप नहीं नाप पाएंगे। क्योंकि अगर आप 1500 मीटर या 2000 से ऊपर भी जाते हैं तो वाटर का जो अंडर वाटर प्रेशर होता है ना, जब वो वाटर प्रेशर उस लोहे के भाग को ऊपर करने लगेगा मीन्स उसे अंदर तक जाने ही नहीं देगा, जिससे आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट उसकी दूरी वो पता नहीं पड़ पाएगी। लेकिन ज़माना जैसे आगे बढ़ता गया, फिर नए नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आए, फिर उसके बाद कांटा वाला आया। कांटा का मतलब आप एक पतली सुई होती थी जिसके थ्रू आगे उसे नुकीला बना दिया जाता था, मतलब जो आपका जो पात होता था ना, जो लंगर डालने के लिए, उसे नुकीला बना दिया जाता था जिससे कि वो पानी को चीरता हुआ जाए, जिससे और थोड़ी हेल्प हुई। लेकिन फिर आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लेकिन आजकल हम लोग यूज़ करते हैं सैटेलाइट का, मतलब विद इन अ सेकेंड, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता था। पहले कितना टाइम होता था, रस्सी बांधी, फिर डुबाई, फिर देखा कितना गहरा है, फिर उस रस्सी को नापा इंची टेप से, कितना टाइम वेस्ट होता था। लेकिन आजकल कुछ ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, एक सैटेलाइट हो गया, एक रडार हो गया, एक लेज़र हो गया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम इनकी डिस्टेंस पता कर पाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, सिंपली लेज़र के थ्रू एक सैटेलाइट बनाई जाती है। सैटेलाइट का मतलब वो नहीं समझ लेना सिग्नल वाली, आप सैटेलाइट किसी भी टाइप की बना सकते हैं, आप अपनी ओन सैटेलाइट बना सकते हैं, ओन का मतलब है आप खुद खर्चे करके बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा तो गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो एक सैटेलाइट बनाई जिनमें आपकी लेज़र बीम इमिट्स होती थी, निकलती थी और एब्जॉर्ब होती थी, तो उसके थ्रू एक सैटेलाइट बनाई। क्योंकि देखिए, आपको एक लेज़र है, एक हवा में चलता हुआ कोई पात है, तो उसमें तो थोड़ी ना कोई वाटर प्रेशर का असर होगा, तो इसीलिए एक लेज़र बनाएगी और उस लेज़र को पानी पर डाला गया, और वो लेज़र जब तक पानी के अंदर गई तब तक कि उसे एक पर्टिकुलर पात नहीं मिला रिफ्लेक्ट करने के लिए। जब वो समुद्रों की बिल्कुल गहराई तक चली गई जहाँ उसे लगा कि हाँ मैं यहाँ पर टकराऊंगी, वहाँ पर टकराई, वो उसी स्पीड के साथ वापस आई सैटेलाइट तक, और उसे सैटेलाइट ने इमिट्स कर लिया, और उसे इमिट्स कर लिया मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो कितने टाइम से वो गई, वो कितने टाइम में वापस आई, इससे समय लगाकर उससे बिल्कुल मैथमेटिकल एल्गोरिदम के थ्रू हमें पता चल गया ये इतने किलोमीटर या इतनी मीटर नीचे गई थी, इतनी मीटर इसकी गहराई है। लेकिन इससे कुछ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पड़ेगी, शायद आपको कुछ चट्टान आ जाए जमीन के बीच में थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ एग्जैक्ट अनुमान लगाने के लिए समुद्रों के बीचम बीच इसका यूज़ किया जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता पड़ सकती है। लेकिन पुराने ज़माने में यूज़र्स क्या करते थे, वो तो होते थे बस 2000 से ज़्यादा मीटर की गहराई नहीं माप सकते थे, लेकिन आज 0 to infinite तक की हम नाप सकते हैं, क्योंकि जो लेज़र बीम है, जो इंफ्रारेड लाइट है, वो इतनी पावरफुल होती जा रही हैं कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस देती हैं, कोई इन विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हमें सब कुछ फाइंड कर लिया जाता है। तो वो फाइंड कैसे करते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं, उनमें से सबसे पहला डिवाइस होता है रडार होता है। रडार के थ्रू भी आप किसी चलती हुई गाड़ी की स्पीड पता कर सकते हैं, रडार के थ्रू आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं, रडार के थ्रू आप एक
माउंटेन पे खड़े हो, माउंटेन के नीचे एक पेड़ है, तो आप उस पेड़ की भी डिस्टेंस पता कर सकते हैं ये कितना ऊंचा है। यही था रेडार का सिस्टम, यही था समुद्र में हाइट नापने का सिस्टम। और दूसरे सिस्टम बता दें, जो कि आप अभी क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट में बॉलर फास्ट स्पीड से अगर बुमराह बॉल करा रहा होता है तो उसकी स्पीड आती है जितनी, तो वो कैसे मेजर कर ली जाती है, वो भी इन्हीं लेजर के थ्रू होता है, इंफ्रारेड लाइट्स के थ्रू होता है, वो भी इन्हीं रडार के थ्रू होता है, क्योंकि उनमें मशीन्स लगी होती है जो कि इमिट्स करती हैं उस बॉलर की स्पीड पर, बॉल पर टकराती है, बॉल से वापस आ जाती है। अब आप पूछेंगे कैसे बॉल पर टकराई, बॉल तो मूव होती है। नहीं सर, बॉल टकराने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पाथ होता है, उस एरिया में कहीं भी 4-5 वेवलेंथ भेज दी जाती है, जिनमें से कोई एक तो टकराएगी ना बॉल से, वो एक टकराएगी उसके थ्रू हमें बॉल की स्पीड पता पड़ जाती है। अब आपको मैं बता दूं, जो कि आप समझ नहीं पाते हैं, हमेशा गलती करते हैं कि इतनी जल्दी कैसे क्यों कर सकती है। देखो लेज़र बहुत ही चीज़ है, आपने 10 या 20 रुपए की एक मेले में मिलने वाली लेज़र भी खरीदी होगी, तो आप उसे करते हैं तो किसी बिल्डिंग तक वो क्विकली पहुंच जाती है, तो मतलब सोचिए आप कितनी स्पीड में, सेकंड भी नहीं लगता है वो बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, टावर तक पहुंच जाती है, आपने देखा होगा, तो सोचिए उन्हें सेकंड कहां लगता होगा इतनी गहराई नापने के लिए। लेकिन आप अगर और समुद्रों में गहराई तक चले जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे जीव भी मिलेंगे जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, जो थोड़ा दूसरा टॉपिक है, लेकिन बताना अच्छा लगता है। शायद आप जा सकते हैं 1200 मीटर के अंदर, तो आपको कुछ नया अमेजिंग मिलेगा। लेकिन कुछ हमारे जो 1960 के समथिंग मुझे याद है, 1960 में एक व्यक्ति गए थे सबमरीन से, जो कि 1200 मीटर के पानी के अंदर गए थे, लेकिन वाटर प्रेशर इतना पावरफुल हो गया था उधर कि वो सिर्फ वहाँ 20 मिनट ही रुके। 20 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 20 मिनट रुकने के बाद वो वापस आ गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका मुझे अभी नाम एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे होती है, कैसे काम करता है रेडार, और कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है, सेट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इस चैनल पर मेरा मोटिव सिर्फ है किसी चीज़ को सिखाना, किसी चीज़ को बता देना वो कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है, और इसीलिए मैंने ये चैनल चलाया टेक्निकल आसीस। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हो सके तो, वैसे कोई बात ही नहीं है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर हो सके तो, वैसे कोई बात ही नहीं है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए कि उन्हें भी बताइए कि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आती रहती है, और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।